पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का जो सुंदर दिन हमने पूजा मेरा उसके घड़ी लिए है। देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना की सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इसको पॉसिबल किया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये समय आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु हम सबके बीच में। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो हमारे घरों में, हमारे देश में, दुनिया में। पिता परमेश्वर आपकी महिमा उतर के आए हम प्रार्थना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस समय प्रभु ब्रदर राहुल को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। चाहे ब्रदर फ्रैंकी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं प्रभु, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं प्रभु, यूट्यूब पे देखने वाले हैं, उन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज जो भी जरूरतें हो प्रभु आपकी तरफ से पूरी हो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे हमारे वचन की भूख को आप मिटाइए पिता परमेश्वर, हमें वचन खिलाइए प्रभु। हमारा हम हमें फिर से रिवाइव कीजिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद नाम से हमने मांगा, हमने सुना, उत्तर दिया, बोल के धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा राजा प्रभु, हमारा प्रभु, हमारा खुदावन शक्ति है प्रभु, सबसे विद्यमान ज्ञानी सर्व ज्ञानी प्रभु, सर्वश्रेष्ठ सर्व सबसे महान सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु, सिर्फ एक तू है राजाओं का राजा है प्रभु है तेरा राजा, राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है का प्रभु है शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो मेरे पिता डाला है, विधियों का वो लेख जो विरोध चढ़ा उसे मिटाया है वो राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा है मेरा राजा प्रभु, मेरा प्रभु राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है। बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उनके योजनाओं के अनुसार उसके छे हुए छे पाई है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए हर विश्ववासियों के नाम छे पाई है। वचन का है यहोवा,
जब तक सांस रहे प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजा है तो प्रभु का प्रभु है तो हम उसके विशेष चुने हुए लोग हैं। उसी का अनुग्रह है कि हम सबको उसने चुना है उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। वो हम कितने उसके प्रिय है जो हमें नाम लेकर पुकारता है बुलाता है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है वचन का है यह वाण। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है वचन का है यह जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम। हाँ जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम। राजा है वो प्रभु का प्रभु है मेरा राजा राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह अच्छा का राजा है प्रभु का प्रभु है ओ राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है मेरा राजा का राजा हम सबका वो प्रभु का प्रभु है मेरा राजा उतरा सारी दुनिया का प्रभु का प्रभु सबका राजा उतरा क्या है वो प्रभु का प्रभु है। बोलो यीशु मसीह की अनम्यूट करके बोलिए जय यीशु मसीह जय उठाकर बोलिए यीशु मसीह की जय हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज़ द लॉर्ड सारी स्तुति के वही योग्य है एक ही है सबसे ऊंचा सबसे महिमा से भरा हुआ वो है सर्वशक्तिमान सबसे महान great are you Lord your glory is great your majesty is great your splendor is great teri khoobsurti sabse maan hai teri sundarta sabse maan teri mahima sabse maan thank you Jesus all the honor we love you Lord oh tera aadar samman hum karte hain दोपहर में प्रभु हम कहते हैं तू हमारा उद्धारक तू हमारा शरण स्थान है प्रभु तू हमारा चंगाई दाता है प्रभु तू हमारा चरवाहा है प्रभु यहोवे निश्चय है प्रभु हमारा जय का झंडा प्रभु यहोवा शालोम शांति का राजा तू है यहोवे रोही हमारा चरवाहा यहोवे रूपे का हमारा चंगाई का दाता तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है
संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु तू मेरा शंसा तू मेरा गढ़ संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ तेरी आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ और कहाँ जाए प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं यहाँ जाए तो जाएगा मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ उधार मेरा तू रुपए का मेरी चंगाई संकट में शामिल है मेरा प्रभु उदारक उदारक मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में शामिल है आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से मैं हूँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में सेवा करूंगा सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु छिपने का स्थान है मेरा प्रभु यावे रोही तू मेरा चरवा सांत्वना है मेरा छिपने का स्थान छिपने का स्थान है मेरा प्रभु आराधना पूरे दिल से आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से आराधना करूं मैं पूरे दिल से संपूर्ण जी
तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं प्रभु तेरे संग मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ ओ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ तेरी हुजूरी में मैं हूँ यहाँ तेरी उपस्थिति में मैं हूँ यहाँ तेरे सामर्थ्य में मैं हूँ यहाँ पवित्र आत्मा तेरी मैं हूँ यहाँ ओ मैं हूँ यहाँ चाहे तो चाहे कहाँ भी जाए हम तू है वहाँ जहाँ भी हम मैं तू है वहाँ तू है यहाँ हम है यहाँ हम है यहाँ स्पर्श कर हमारी आंखों को प्रभु स्पर्श कर हमारे कानों को प्रभु स्पर्श कर हमारे हृदय को प्रभु स्पर्श कर प्रभु हमारे मन को प्रभु ओ तेरे हर एक आज्ञाओं का पालन हम करें प्रभु तेरे मार्गों पर हम चले प्रभु अनुग्रह तेरे अनुग्रह से ग्रेस अपॉन ग्रेस लॉर्ड इन यू तेरे अनुग्रह की हमें जरूरत है प्रभु उस समय प्रभु दयाल प्रभु ओ तेरी आत्मा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमारे मनों में प्रभु इस समय प्रभु डेल प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु हमारे जमीन को अच्छी जमीन बनाकर तैयार कर प्रभु प्रभु ये जमीन प्रभु तेरे बीज को ले प्रभु और फलदायक होए प्रभु हम दुआ करते हैं खुदावन तैयार कर हमें प्रभु हम हैं यहाँ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस We love you. We honor you. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you. Prabhu, aapka vachan kehta hai, Prabhu, ke you have magnified your word even above all your names, God. आपका वचन को प्रभु आपने और चौड़ा किया है प्रभु आपके नामों से भी बढ़कर प्रभु इन दिस टाइम लॉर्ड वी प्रिपेयर आवर हार्ट्स टू रिसीव फ्रॉम यू लॉर्ड टू हियर फ्रॉम यू ओ गॉड ओपन अप एवरी इयर्स ऑफ गॉड टू हियर लॉर्ड एंड दैट योर वर्ड वुड सेटल इन आवर हार्ट्स ओ गॉड इन यीशुआज नेम वी प्रे लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया लॉर्ड ब्लेस यू ओ हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं हम आपको चाहते हैं किसी भी और चीज से बढ़कर परमेश्वर आपको हम चाहते हैं परमेश्वर और आपके इस मीटिंग में परमेश्वर आपके अभिषेक से आपके सामर्थ्य से आप भर दीजिए हालेलुया आपकी महिमा उतरने दीजिए परमेश्वर हम हर एक के घरों में हर एक के जगहों पे हमारे ऊपर आपकी महिमा आपका सामर्थ्य परमेश्वर भर दीजिए आपके आत्मा से भर दीजिए आपके वचनों से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर सिर्फ हम बाहर के मंडप के बाहर में नहीं रहना चाहते हम वो परम पवित्र स्थान में परमेश्वर आपके और करीब
आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, हम हर एक को आप पवित्र, आप परम पवित्र स्थान में लेके जाए आज। हालेलुया, हालेलुया, रेबोश का मास से थी अरबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से बोले मेरे प्रभु। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमारे बीच में वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके सेंसिटिविटी को, आपके जेंटल नेचर को, हालेलुया, हम समझ पाए, ताकि आप, आपके उपस्थिति को, आप जब आते हैं हमारे बीच में, उस आने को हम समझ पाए और आपके प्रेजेंस को हम रिटेन कर पाए। हालेलुया परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक डिस्ट्रैक्शन इस मीटिंग से आप निकाल रहे, लोगों के मनों से आप निकाल रहे परमेश्वर। हर एक चिंताएं, हर एक अंधकार की शक्तियां टूट रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, वी गिव यू द प्रेज ओ लॉर्ड इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। 2018 में सितंबर के महीने में ही, सितंबर के अंत में मुझे पवित्र आत्मा ने आग और उसके उपस्थिति से और पवित्र आत्मा से मुझे बपतिस्मा मिला, और उस समय के बाद से मैं आत्मा में देखने लगा, मेरा जीवन बदल गया। और उससे पहले मैं सेवकाई करता था, मैं कलीसिया में लीडर था, परंतु कुछ ना कुछ असंतुष्टता मेरे में था। परंतु जब पवित्र आत्मा ने मुझे आग में बपतिस्मा दिया, उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। परंतु उस समय पर जब वो चीज़ मेरे साथ हुआ, वो एनकाउंटर मेरे साथ हुआ और मुझे बपतिस्मा मिला पवित्र आत्मा और उसके आग में, कुछ महीनों तक मैं उसी उपस्थिति में रहा। मैं ऑफिस भी जाता था तो मुझे प्रार्थना करने का मन होता था, मुझे काम करने का मन नहीं होता था या कुछ भी करने का मन नहीं होता था। जैसे ही मुझे समय मिला, मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर को ढूंढता था, क्योंकि जैसे कि एक उपस्थिति मेरे ऊपर था,
और मैं उस उपस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और कुछ महीने तक ऐसे ही चला, वैसे ही चला, और मुझे लगा कि मेरा जीवन हमेशा के लिए ऐसा रहेगा। परंतु कुछ महीनों तक वैसे चला, और उसके बाद वो उपस्थिति, वो फीलिंग मेरे ऊपर नहीं थी, और मुझे खुद को खींच के लेके जाना पड़ता था प्रार्थना में उसके कुछ महीनों के बाद। जब भी मैं आपको कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के बारे में, एक बार पास्टर बेनिहिन जो है वो एक परमेश्वर के जो सेवक है कैथरीन कुलमैन के मीटिंग में गए, और जैसे ही वो परमेश्वर के जो सेवक है वो औरत स्टेज पे आई, और बेनिहिन जो है बहुत जवान था उस समय पे, वो बैठा था उस मीटिंग में। जैसे ही वो स्टेज पे आई, पवित्र आत्मा का छाया, यीशु का पूरा उपस्थिति बेनिहिन के ऊपर आ गया, और जो उसके बाजू में उसके दोस्त बैठे हैं जिन्होंने उसको लेके आया, उसको कुछ पता ही नहीं कि उन लोग बाजू में है, सिर्फ उसे लगा पूरे हॉल में वो और यीशु अकेले हैं। तो उस मीटिंग में बेनिहिन को पवित्र आत्मा ने एनकाउंटर किया और पूरा उसके ऊपर उपस्थिति आया, जैसे कि हवा का रिंग उसके हाथ के ऊपर चल रहा था, उसके सिर के ऊपर हवा के रिंग चल रहे थे और हवाएं चल रहे थे उसके ऊपर, और सभी लोगों को उसे लगा कि सभी लोगों को वो महसूस होता होगा, परंतु सभी लोग नेचुरल रेलम में थे, परंतु वो उस सुपरनेचुरल रेलम में गया वहां पर। और फिर वो परमेश्वर की सेवक जो है वो एक औरत को बुलाया जिसको चंगाई मिले, और उसने कहा कि बताओ तुम्हें कैसे चंगाई मिली वगैरह वगैरह, कुछ कर रहे थे वो लोग स्टेज के ऊपर। और जब भी वो अपने चंगाई का गवाही बोल रही थी वो औरत, तभी बेनिहिन उसको सुनाई दे रहा था आवाज, परंतु वो उस उपस्थिति में था। तभी बेनिहिन ने सोचा, अरे ये क्या बोल रही है, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही उसके मन में वो ख्याल आया, एक ख्याल आया, उसने बोला भी नहीं, वैसे ही वैक्यूम के जैसे वो उपस्थिति उस पे से निकल गई, और उसे पता चला वो उपस्थिति उससे निकल गई क्योंकि मन के अंदर जब डाउट आया उस चंगाई के बारे में, वो पवित्र आत्मा का काम था, और वो पवित्र आत्मा को जब डाउट कर रहा था, वो पवित्र आत्मा झट से वो उपस्थिति उससे निकल गई, और उसने बोला, उसे पता चला कि अरे वो उपस्थिति चली गई, परमेश्वर मुझे माफ करो, मैंने डाउट किया। और फिर से जब उसने माफी मांगा, फिर से वो उपस्थिति उसके ऊपर आ गई, झट से उसके ऊपर उपस्थिति आ गई। हालेलुया। और फिर वो उपस्थिति के साथ वो एक साल तक वो काम पे भी जाता था, वो ड्राइविंग करता था, वो कुछ भी करता था, वो उपस्थिति उसके ऊपर रहती थी। और एक साल तक उसका प्रार्थना का जीवन, उसका वचन का जीवन जो है पूरे आग में था, क्योंकि वो उपस्थिति उसके, उसको और कुछ करने का मन नहीं होता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके ऊपर थी, और वो प्रेजेंस को लेके वो चल रहा था। परंतु एक साल के बाद वो उपस्थिति उसको छोड़ दिया उसने, और उसने उसको लगा अरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अभी मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा, मुझे वैसा नहीं लग रहा। और वो जो है एक प्रार्थना सभा में वो गया, और उस प्रार्थना सभा में एक सिस्टर जो है प्रचार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो प्रेयर वॉरियर थी। तो मीटिंग होने के बाद उस सिस्टर से बेनिहिन ने पूछा और बताया कि एक साल तक मेरे ऊपर उपस्थिति था, मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी मुझे फीलिंग नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा है क्या वगैरह वगैरह। वो सिस्टर ने उसको कहा बेनिहिन को कि अच्छा हुआ कि वो उपस्थिति तुझे छोड़ के गई, क्योंकि अभी तू उसे ढूंढना शुरू करेगा। हालेलुया। तो शुरुआत में जो है बाइबल कहता है क्या, टेस्ट एंड सी। तो परमेश्वर शुरुआत में वो हमें उसका टेस्ट देता है। मुझे अभी भी वो सीजन याद है 2018 में, जब भी मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला था। हालेलुया। और वो उपस्थिति हमेशा साथ रहती थी। हालेलुया। बहुत, और फिर वो चली गई क्योंकि शुरुआत, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कुछ समय के लिए वो आपको, वो जैसे कि एक बच्चे को हम लॉलीपॉप दिखाते हैं तो बच्चा लॉलीपॉप के पीछे भाग के आता है, आजा। हालेलुया। कभी कभी आपका प्रार्थना का जीवन सूखा पड़ा होगा, सूखा, आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में सब टेंशन है, सब प्रॉब्लम है, आपने प्रार्थना भी नहीं किया, किसी ब्रदर ने आपको कॉल किया, और जैसे ही आप उस ब्रदर या सिस्टर से बात करना शुरू करते हो, पवित्र आत्मा के वरदान आपसे बहना शुरू करते हैं, उपस्थिति आपसे बहना, आप प्रार्थना में ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो उस गिफ्ट्स का, आपको जो गिफ्ट्स है आपके अंदर, वो आपको सिर्फ एक एहसास दिखाना चाहता है और आपको अपने उपस्थिति में खींचना चाहता है। देखिए, पवित्र आत्मा जो है
98% क्रिश्चियंस पवित्र आत्मा को नहीं जानते। कई बार मैं जब भी प्रचार करता हूँ, मुझे पता है कभी वो आता है, मुझे सेंस होता है, उसकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है, वो आ गया मीटिंग में, हालेलुया। और तभी उसके बाद जब भी लोग उससे कनेक्टेड नहीं रहते तो लोग इधर उधर देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब भी हम उसको अटेंशन नहीं देते, वो आता है और वो चला जाता है। या जब भी हमारे मन के अंदर उसके ख्याल नहीं है, उसके विरुद्ध ख्याल है, वो चले जाता है। जैसे मैंने इनके साथ हुआ, वो चले गया, हालेलुया। कई बार हम जब भी परमेश्वर के सेवकों के कार्य के ये चंगाई ऐसा है, बहुत बहुत सारे आजकल भारत में भी बहुत सारे जज बैठे हैं, खुद से जज बन गए, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, वो क्या करते हैं, उनको पवित्र आत्मा कभी नहीं मिल सकता अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे। उनको वो कुछ लोग अन्य भाषा के विरुद्ध बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो इंसान का काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा ने वो दिया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब भी उसके कार्य को, हालेलुया, एक चंगाई को भी आप सवाल उठाते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चंगाई वैसा नहीं होता, एक चमत्कार हुआ, तभी पवित्र आत्मा के काम को हम जब भी दोष लगाते हैं, हमें पश्चाताप, तो वो ग्रीव होता है, वो आता नहीं है उसके बाद हमारे ऊपर। जब तक हम एहसास नहीं कर सकते, जब तक हम एक बच्चे नहीं बनते और परमेश्वर को बोलते हैं, भले ही हमने बाइबल पढ़ा है, भले ही मुझे बाइबल आता है, परंतु परमेश्वर के सामने जब ही आते हैं, हमें बोलना है मुझे कुछ नहीं आता, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, तभी पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को सिखाता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो मुझे नहीं पता, मैं वचन चालू करने से पहले ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि शायद परमेश्वर किससे बात करना चाहता है। शायद आपका एहसास होगा, कई साल पहले आप उस उपस्थिति में थे, परंतु वो उपस्थिति आपको छोड़ के गई क्योंकि उसने आपको एक स्वाद चखाया, वो चाहता है अभी आप उस उपस्थिति के पीछे हो लो, हालेलुया। उसके प्रेजेंस को, एटमॉस्फियर को वो जब भी आता है, और देखिए एक इसलिए मैं कई सारे कलीसिया में जाता हूँ, कई सारे खास करके आराधक, खास करके वर्शिपर्स, हालेलुया। पवित्र आत्मा को जानना ज़रूरी है क्योंकि जब भी वो आता है, वो आराधक को पता रहना चाहिए उसको मेंटेन करना, उसको रखना वहां पर कैसा है, हालेलुया। उसको पवित्र आत्मा आएगा, परंतु जब भी वो देखेगा कि डिस्ट्रैक्शन है या डिस्टर्बेंस है या मन में गलत ख्याल है, वो चले जाएगा क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी है। बाइबल क्या कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, तो उसे बुरा लगता है, उसको बुरा लगता है तो वो आपको पनिशमेंट नहीं देगा, वो आपको नर्क नहीं भेजेगा, वो सिर्फ आपसे आपको छोड़ के चले जाएगा, उसका उपस्थिति जाएगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा हमारा टॉपिक नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा को, वो एक व्यक्ति है और उसके इमोशंस को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है, मैं मीटिंग्स लेता हूँ या हुआ, परंतु लोगों को देखिए, अगर एक बहुत कम हुआ है, शायद एक या दो बार हुआ है मेरे साथ कि पवित्र आत्मा जब ही आया, सभी लोगों को पता चल गया, सभी लोगों को महसूस हुआ पवित्र आत्मा वहाँ पर आया है और वो वहाँ पर रहा। परंतु कई बार वो जब ही आता है और वो डिस्ट्रैक्शन देखता है, वो चले जाता है। वो पेंटिकॉस्ट के दिन पे भी आया था, परंतु सभी लोगों का मन उससे जुड़ा हुआ था, देवर ऑफ वन अकॉर्ड, मतलब उन लोग फ्लैश के यूनिटी में नहीं थे, उन लोग उससे जुड़े हुए थे, इसलिए वो वहां पर रहा और वहां से रिवाइवल शुरू हुआ, हालेलुया। कितने लोग खुश है आज, आमेन, हालेलुया। तो ये मत सोचे कि वो दिन वापस आएंगे, मैं उपस्थिति में रहूंगा, उसको ढूंढना शुरू करें। बेनिन ने खुद बोला कि वो एनकाउंटर के बाद, उसके बाद एक साल के लिए या दो दिन के लिए भी ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे बहुत मुश्किल उठाना पड़ा उसको ढूंढने के लिए क्योंकि मैं उसके उपस्थिति को जानने लगा, हालेलुया। ओके, मती का किताब में जाएंगे, ये मैसेज परमेश्वर ने मुझे पिछले हफ्ते दिया इस ग्रुप के लिए, तो उस मैसेज में हम लोग जाएंगे। मती का किताब उसका 25 अध्याय 15 वचन, मती का किताब उसका 25 अध्याय और 15 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ,
हाँ पढ़िए पढ़िए। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 8, हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसलिए जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मुट्ठी खोली और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। आमीन। पढ़ते रहे आगे पढ़े। बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़ों को कमाया है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे जो तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य धागे दास, तू थोड़े के विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और स्वामी के आनंद में सहभागी। बस बस हालेलुया आमीन। तो यहाँ पर जो स्वामी है वो परदेश जाने वाला रहता है। यीशु ये पैराबल बोल रहा है, ये दर्शन बोल रहा है। और तीन लोग रहते हैं, उसके तीन सेवक रहते हैं। उन दासों को बुलाकर अपने संपत्ति से, सभी लोग बोले अपना संपत्ति। हाँ, किसका संपत्ति है? वो मालिक का संपत्ति है, अपना संपत्ति। या उनको सौंप दिया। उसने एक को 5 तोड़े दी, तो सभी लोग को एक जैसा उसने रकम नहीं दिया या क्वांटिटी नहीं दिया। पहले को उसने 5 तोड़े दी, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए और तीसरे को उसने सिर्फ 1 तोड़ा दिया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। वहाँ पर हर एक को उसके सामर्थ के अनुसार दिया, इंग्लिश में लिखा है ईच वन ही गेव एज पर हिज एबिलिटी, उनके क्षमता के अनुसार उस मालिक ने उनको दिया। तो ये मालिक जो है इस दर्शन में, हमें पता है वो परमेश्वर को दर्शाता है और जो सेवक है वो हमें दर्शाता है। और हमें हमेशा समझना है कि परमेश्वर जो है वो हमारे, पहले तो हमारे एबिलिटी को जांचता है, हम किस हिसाब से एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और उस एबिलिटी के हिसाब से परमेश्वर हमें देता है। देखिए परमेश्वर का ये, परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे, परंतु वो बहुत कुछ अभी आपको नहीं दे सकता, वो बहुत कुछ पहले ही आपको नहीं दे सकता। पहले आपके फेथफुलनेस को, आपके विश्वास योग्यता को वो थोड़ा देके जांचता है। ओके? ये राज्य जो है ये परमेश्वर का राज्य है। ये जो सेवकाई हम करते हैं ये परमेश्वर की सेवकाई है। इसमें हम लोग वर्ल्डली प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते, ना ही MBA का बुक पढ़ के हम वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर फाइनेंसेस, हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ के हम यहाँ पर फाइनेंसेस चला सकते हैं, वो सब चीज़ें इस राज्य में काम नहीं करेगा। परमेश्वर के राज्य में जो काम करता है, वो परमेश्वर के राज्य में पहली बात, एवरीथिंग दैट यू सी बिग इन द किंगडम ऑफ गॉड, हर एक चीज़ जो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा दिखता है, उसका एक्चुअली शुरुआत छोटे से हुआ था। और हर एक परमेश्वर का हर एक बड़ा काम का शुरुआत छोटे से होता है। हालेलुया। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, शायद से एक भविष्यवक्ता के माइनर प्रॉफिट्स के किताब में, एज़रा के समय में जो प्रॉफिट्स, हगाई और ज़कर्याह के किताब में, वहां पे लिखा है डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग्स ऑफ माई सर्वेंट्स, वहां पे लिखा है। अभी जाने का समय नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है जो मेरे सेवक छोटे से शुरुआत करते हैं मैं उनको डिस्पाइस नहीं करता, वो मेरे आंखों के सामने रहते हैं। कितने लोग समझ रहे, मेरे साथ रहे? ओके, हालेलुया। और दूसरी बात जो है, ये तीन लोगों को तीन अलग अलग प्रकार के रकम मिले, क्वांटिटीज मिले। पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को सिर्फ 1 मिला, क्योंकि वो मालिक उनके क्षमता को जानता था। वो मालिक को पता था, ये जो पहला जिसको मैंने 5 दिया है वो मेहनती है मेरे संपत्ति में, मेरे साथ रहे।
वो दूसरे को उसको उसको पता था ये एवरेज है, और तीसरे को जिसको उसने एक दिया उसे पता था ये निकम्मा है थोड़ा टाइप का, इसके लिए इसको एक देता हूं मैं, क्योंकि इसमें मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं एक देता हूं उसको। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, और अगर वो जानता है कि मेरा हृदय निकम्मा है, वो ज्यादा मेरे पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा देगा पहले, बहुत थोड़ा देगा। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे कि उन तीनों ने क्या किया उन पैसों के साथ, उन क्या बोलते हैं तोड़े के साथ, या हालेलुया मिनास या मिनार के साथ। ओके, इंग्लिश में लिखा है मिनास। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में जो है हर एक चीज जो है वो छोटे से शुरू होता है, और शैतान के राज्य में, शैतान का जो राज्य है उसमें पूरा ऑपोजिट है परमेश्वर का राज्य से। शैतान किसी को भी उठा के एक बड़ा चीज उसको दे देगा, वो देखेगा ही नहीं शैतान की वो उसके लायक है कि नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति को जिसको शैतान इतना सारा पैसा या इतना सारा राज्य का अधिकार दे रहा है उसको उसको जो है टेस्ट होने का जरूरत नहीं। शैतान उसको टेस्ट भी नहीं करता, प्रोसेस के द्वारा नहीं लेके जाता, ऐसा ही दे देता है। शैतान सिर्फ ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति अपना सोल मुझे बेचने को तैयार है, उसे वो दे देगा, क्योंकि वो व्यक्ति को जिसको वो सब कुछ दे देता है उसका एबिलिटी क्यों नहीं टेस्ट करता, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ नहीं करने वाला, शैतान का आत्मा उसको कंट्रोल करने वाला है, तो उसका एबिलिटी कुछ मायने नहीं रखता शैतान के राज्य में, या उसका फेथफुलनेस मायने नहीं रखता, क्योंकि वो देखिए शैतान के राज्य में जो उसके सेवक है वो लोग उसके स्पेल के अंदर, उसके कंट्रोल के अंदर काम करते हैं, परंतु हम जो परमेश्वर के सेवक है हमारे ऊपर परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप से विश्वास योग्य बने और चीजों को समझे और संभाले। तो ये डिफरेंस है शैतान के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में। फॉर एग्जाम्पल, यीशु को शैतान ने कहा यह सभी चीज मैं तुझे देने को तैयार हूं अगर तू मेरे सामने झुक के मेरी आराधना करे, परंतु परमेश्वर का रास्ता क्या था, परमेश्वर का रास्ता लंबा था, उसमें बहुत सारे पड़ाव थे, उसमें बहुत सारे टेस्ट थे, परीक्षाएं थे यीशु के लिए। उसके बाद यीशु को उसने अपने दाहिने हाथ पे बिठाया, उसके नाम को सबसे ऊंचा नाम दिया परमेश्वर ने, परंतु शैतान जो है उसके उसके रास्तों में और उसके राज्य में बड़ा होने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। हालेलुया। उसके राज्य में कुछ भी छोटे से नहीं शुरू होता, हर एक चीज उसके राज्य में जो है बड़े से शुरू होता है। देखिए यीशु जब भी प्रचार कर रहा था उसने एक पैरेबल दिया, उसने कहा कि राई के दाने के समान विश्वास रखो, क्योंकि वही छोटा से सबसे छोटा राय का दाना जो दानों में बीजों में सबसे छोटा है वो ही सबसे बड़ा पेड़ बनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में जो चीजें जो उसका काम होता है वो छोटे से शुरू होता है, और जो व्यक्ति के कंधों पे वो शुरू होता है परमेश्वर उसको हर एक पड़ाव पे जांचता है और धीरे धीरे उसको और ज्यादा देना शुरू करता है, और वैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को बड़ा करना शुरू करता है। और जब भी वो व्यक्ति का के दिए हुए चीज बड़े होते हैं, हालेलुया, वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो एक बीज से आए हैं, वो एक प्रोसेस से आए हैं, उसने जड़ पकड़ा है। परंतु शैतान ने जो लोगों को दिया है वो एक सेकंड में सब कुछ छीन ले सकता है या गिर सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस से नहीं आया। हालेलुया। कितने लोग ने वाइन पिया है? अच्छा, आपको बताना नहीं है तो परंतु वाइन में जो है वो टेस्ट आता है क्योंकि उसको बहुत समय तक रखा जाता है। हालेलुया। तो एक 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 रॉयल वाइन में, एक महंगे वाइन में और एक नॉर्मल पानी के बोतल में या कोको कोला या पेप्सी में बहुत डिफरेंस है, वो जल्दी से बनता है, परंतु वो वाइन को फर्मेंट करके वगैरह वगैरह प्रोसेस करके इसलिए उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। हालेलुया। वैसे ही शैतान के दिए हुए चीज़ कोई वैल्यू नहीं है उसका, वो कभी भी आपसे आपके हाथों से निकल सकता है और उसका कोई वैल्यू नहीं है अनंत काल के जीवन में, परंतु जब भी आप परमेश्वर के प्रोसेस के हिसाब से आगे चलते हैं, हालेलुया, और टाइम लगाते हैं बढ़ने के लिए, तभी वो चीज़ें परमेश्वर के राज्य में वैल्यू होल्ड करते हैं, उनका मूल्य ज़्यादा होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? वो चीज़ें आसानी से गिर नहीं सकते, वो चीज़ें आसानी से जा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक मेरे साथ रहे? अब तक हम लोग आए नहीं है तो
परमेश्वर जानता था, मतलब वो मालिक जानता था कि किसको 5 देने, 2 देने, 1 देते, क्योंकि परमेश्वर हर एक को अपने उनके सामर्थ्य या उनके एबिलिटी के हिसाब से देता है। तो अगर हमको परमेश्वर से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अभिषेक चाहिए या ज़्यादा बड़ा चाहिए, हमें अपने आप के ऊपर काम करना है, परमेश्वर के और करीब लेके जाना है और हमारे परमेश्वर में हमारे क्षमता को, एबिलिटीज़ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, कैसे, जब भी हम लोग छोटे चीज़ों में विश्वास योग्य बनेंगे तभी परमेश्वर हमें इनक्रीज देना शुरू करेगा। ओके, उसमें हम लोग आएंगे, परंतु 16 वचन में पढ़ता हूँ। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। अभी बार बार यहां पर लिखा गया है कि वो जो रुपये थे, वो जो पैसे थे, वो किसके थे? स्वामी के थे। सभी लोग बोले स्वामी के पैसे। ओके, वो स्वामी के थे और स्वामी ने खाली उन सेवकों के हाथ में वो पैसे दिए और कहा इनके ऊपर काम करो। उसने कभी ये नहीं कहा उनसे कि तुम्हें पगार मिलेगा, मैं जब ही वापस आऊंगा तुम, अगर तुम इसको 5 गुना ज्यादा बनाएगा, 50% तुम्हारा, 50% मेरा, या 40% तुम्हारा, 60% मेरा, तो कोई भी बेनिफिट्स का वहां पर प्रॉमिस नहीं था स्वामी की तरफ से। ध्यान से सुने, ओके, कोई भी बेनिफिट्स का वहां पर प्रॉमिस नहीं था, कोई भी फिक्स सैलरी का वहां पर प्रॉमिस नहीं था स्वामी की तरफ से, मालिक की तरफ से, और कोई भी चीजों का परमेश्वर के, वो मालिक की तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं दिया गया। परंतु फिर भी वो जो पहले के 2 लोग थे उन्होंने उसके स्वामी के पैसे पे काम करना शुरू किया। क्यों ना, क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला था, सिर्फ और सिर्फ स्वामी को खुश करने के लिए उन्होंने स्वामी के पैसों पर काम करना शुरू किया था। कितने लोग समझ रहे हैं, मेरे साथ है आप लोग, हालेलुया। तो उनको उस ट्रांजैक्शन से, तो जिस चीज में कुछ उनको प्रॉमिस नहीं दिया गया स्वामी की तरफ से कि ये फिक्स सैलरी मिलेगा या मिलेगा या इतना परसेंट मिलेगा, वहां पर उन्होंने अपना टाइम, अपना समय और अपने एनर्जी को इन्वेस्ट किया। किसको, क्या करने के लिए? उन लोग जब भी स्वामी वापस आता है तभी उन लोग स्वामी को खुश करना चाहते थे अपने काम से। परंतु जो तीसरा व्यक्ति था उसने उस सिक्के को या उस तोड़े को मिट्टी खोद के उधर छुपा दिया। क्यों छुपा दिया, आगे पढ़े। ओके, तो 24 वचन हम लोग जाएंगे, 24 वचन में हम लोग जाएंगे। तब था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छाटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए डर गया और जाकर 13 तोड़ा उसके छिपा दिया। देख, जो 13 है वह यह है। बस 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 बस, आपने देखा, ये तीसरे सेवक को अपने मतलब के लिए कुछ चाहिए था। जब ही उसको, उसने क्या कहा, स्वामी मुझे पता है जहां पर तू बोता नहीं है वहां पर तू कटनी करता है और जो हम काम करेंगे वो तू ले लेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसे छुपा के रखा। जो जिस चीज से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उस पर मैं क्यों काम करूं, वो तो तेरा है उस पर मैं क्यों काम करूं। कितने लोग समझ रहे इस पैराबल को, रेवलेशन को? ओके, जो चीज तेरा है स्वामी परमेश्वर, वो तेरा है और मुझे पता है जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तू ले लेगा, तो तेरे चीज पे, मतलब यहां पर ये व्यक्ति का ये एटीट्यूड था कि अगर इससे मेरा कुछ बनता नहीं है और मुझे कुछ मिलता नहीं है और ये स्वामी के चीजों पे मुझे काम करना है, मैं क्यों इस पे काम करूं, मेरा जब भी कुछ बनेगा इससे तभी मैं उसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट करूं। कितने लोग समझ रहे? परंतु पहले के 2 वैसे नहीं थे, पहले के 2 वैसे थे कि बिना कुछ एक्सपेक्टेशन रखे उन्होंने स्वामी के पैसों पर काम किया, अपना टाइम डाला, अपना एनर्जी डाला। जिसके पास 5 थे उसने 5 और बढ़ा लिए, जिसके पास 2 तोड़े थे उसने और 2 बढ़ा लिए, अपना समय उन्होंने बिताया उसके ऊपर और उसे स्वामी के लिए उन्होंने मल्टीप्लाई किया, स्वामी के पैसों के उन्होंने, उनको अपना संपत्ति नहीं बढ़ाना था, उनको स्वामी का संपत्ति बढ़ाना था, उनको अपना राज्य नहीं बढ़ाना था, उनको स्वामी का राज्य बढ़ाना था।
कितने लोग समझ रहे हैं? उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, उनको स्वामी के लिए, हालेलुया, उस देखना था कि स्वामी का संपत्ति बढ़े, उसका राज्य बढ़े, इसलिए उन्होंने उस चीज पर काम किया। मेरे साथ रहे। फिर उसके बाद बाइबल कहता है, 19वां वचन में जाएंगे अभी, पहले 19वां वचन में पीछे हम लोग जाएंगे। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। अभी ध्यान से सुने, 21वां वचन बहुत जरूरी है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। जब भी आप सिर्फ स्वामी के बेनिफिट के लिए और उसके लिए काम करते, अपने मतलब के लिए नहीं काम करते, दो बातें वहां पर होती है, आपके काम में बढ़ोतरी आता है, आपके काम में इंक्रीज आता है। दूसरी बात, जो आप काम करते हो उसमें आप स्वामी के आनंद के सहभागी होकर काम करते हो, द जॉय ऑफ सर्विंग द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लोगों के लिए सेवकाई बहुत भार हो चुकी है। मैं बोलता हूं आपको क्यों भार हो चुकी है, क्योंकि उनको 5 मिनट भी किसके लिए प्रार्थना करना है, वो 5 मिनट के लिए वो लोग पैसे एक्सपेक्ट करते हैं, चाहिए। हालेलुया। उस दिन मैं मत्ती का किताब उसका 14 अध्याय पढ़ रहा था, और मैं उस स्क्रिप्चर में गया थोड़े वचनों के बाद। मत्ती का किताब 14 अध्याय में वो स्क्रिप्चर है जहाँ पर यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करता है। तो जब भी वो मैं वचन पढ़ रहा था, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लोग जो है समय हो गया था, अंधेरा होने वाला था, और चेलों ने बोला इनको जाने दो पास के गाँवों में ताकि वो लोग अपने लिए कुछ खा ले। पर यीशु ने कहा, नहीं, मैं इनको भूखा नहीं जाने दे सकता। पर चेलों ने कहा, अरे यीशु आप क्या बोल रहे हो, आपका बैंक अकाउंट तो खाली, आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, कहाँ से लाओगे आप इतने सारे लोगों को खिलाने। यीशु ने कहा, तुम्हें नहीं पता मेरे पिता के अकाउंट में भरपूरी है, मुझे लोगों से लेने की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस वचन से मुझसे बहुत बात की उस शाम के वक्त। हालेलुया। और मैं वो वचन हमेशा कन्फेस करने लगा कि मैं किससे लूंगा नहीं, मेरे पिता के अकाउंट में पहले से अबंडेंस है, भले ही मेरे अकाउंट में करेंसी नहीं है, रुपीज नहीं है, परंतु मेरे पिता के अकाउंट में अबंडेंस है, जिसको मैं अपने लिए, अपने चेलों के लिए, और जो मल्टीट्यूड्स मेरे पास आएंगे उसके लिए भी मैं खिला सकता हूँ। वैसे परमेश्वर ने मुझे वो वचन से बात किया। हालेलुया। कि लोगों से या कुछ मिलने के लिए, और मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सेवा जो करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर वो जॉय नहीं है, देयर इज नो जॉय ऑफ सर्विंग द लॉर्ड। मुंह पे हंसी नहीं है, मुंह पे खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट भी उन्होंने कुछ किया, अरे मैंने ये किया मुझे वो इतना पैसा देना चाहिए, अरे मैंने ये किया मुझे वो लोग ऑनर देना चाहिए, मुझे उन लोग हर एक जगह पर एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मैंने किया परमेश्वर के लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैंने किया ये परमेश्वर के लिए मेरा कुछ होना चाहिए। परंतु वो सेवकों ने सिर्फ परमेश्वर के पैसों को बढ़ाने के लिए काम किया, और परमेश्वर ने कहा, तूने ये 5 रुपयों को बढ़ाकर 10 किया है, मैं तुझे और दूंगा, और मैनेज कर। ध्यान से सुने, इन दोनों सेवकों का मेंटालिटी जो था वो नौकर का मेंटालिटी था, वो स्टीवर्ड का मेंटालिटी था, परंतु इसको वो रुपए का ओनर बनना था। अगर मैं इसका ओनर नहीं हूं तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परंतु इस राज्य में जब भी हम काम करते हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, सिर्फ हम उसको मैनेज कर रहे हैं। जब भी हम 5 को ठीक से मैनेज करेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे, बिना मतलब का उस 5 पे काम करेंगे, परमेश्वर उसको इंक्रीज करेगा। कल मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को मैं पूछ रहा था, परमेश्वर इस नए साल के लिए क्या, परमेश्वर ने कहा आई विल इंक्रीज यू, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को वो इंक्रीज करेगा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, दैट इज एन इंक्रीज। हालेलुया। जाबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर हालेलुया मेरे पे दया कर और मेरे बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को ग्रांट किया। बाइबल कहता है हालेलुया, उसके बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया।
क्योंकि जो लोग थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं उनको परमेश्वर इनक्रीज करता है और बहुतायत से भरता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही आपके अकाउंट में, आपके पास, आप अगर आप सेवकाई करते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु के पास भी नोट नहीं थे, परंतु उसे अपने पिता के अकाउंट को एक्सेस कैसे करना था पता था। हालेलुया, कौन सी सेवकाई है, 5,000 लोग थे वहाँ पर, फैमिलीज को, बच्चे और महिलाओं को छोड़ के, मतलब करीब 15 लाख, सॉरी 15 लाख बोल रहा हूँ मैं, 15-20 हज़ार लोग रहेंगे वहाँ पर। हालेलुया, 15-20 हज़ार लोगों को पेट भर के खिलाया, यीशु के SBI के अकाउंट से नहीं, हेवनली अकाउंट से उसने खिलाया। हालेलुया, मिनिस्ट्री का अकाउंट भी नहीं था उसके पास, उसने अपने पिता के अकाउंट से खिलाया। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब भी हम लोग थोड़े में, यूसुफ भी वैसे ही था, वो थोड़े में विश्वास योग्य था। वो यूसुफ का जीवन और आपका जीवन आप कंपेयर करके देखिए, आपका जीवन 1,000 गुना अच्छा रहेगा यूसुफ के जीवन में। कुछ भी अच्छाई का वहां पर चिन्ह नहीं था यूसुफ के जीवन में, उसके स्वप्न देखने के बाद, दर्शन देखने के बाद। उसके भाई लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, गड्ढे में डाला उसको, फिर बेच दिया, फिर वहां पर उसको रेप का इल्जाम लगाया गया, क्या हर चीज उसके ऊपर आया, परंतु बाइबल कहीं भी नहीं कहता है कि यूसुफ ने परमेश्वर से सवाल जवाब किए। यूसुफ विश्वास योग्य रहा, वो अपने पिता के घर में जब भी था, पिता के चीजों के ऊपर विश्वास योग्य था। जब भी वो पॉटिफर के घर पे गया, पॉटिफर का जो काम दिया गया उसमें वो विश्वास योग्य था। जब भी वो जेल में गया, जेलर ने उसे काम दिया, उसमें वो विश्वास योग्य था। जहां कहीं भी उसको परमेश्वर ने डाला, इधर उठा के उधर, डिमोशन भी हुआ, पर हर एक ऑफिस में वो विश्वास योग्य था। हालेलुया, कई विश्वासी में के जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ पाता परमेश्वर के हाथ से, क्योंकि उन लोग छोटे चीजों में विश्वास योग्य नहीं है। उन लोग कंप्लेन करते जहां पर परमेश्वर ने डाला, अरे यार ये काम मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं करना चाहता, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरा कुछ मतलब यहां पर नहीं हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा नहीं है यहां पर, इसलिए वहां पर लोग, जैसे कि वो तीसरा सेवक। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, तो टू समराइज, जो दो सेवक थे उन्होंने अपने मतलब के लिए लोग काम नहीं कर रहे थे, पर वो स्टीवर्ड्स के अनुसार, नौकरों के अनुसार परमेश्वर के संपत्ति पे, उस मालिक के संपत्ति पे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और परमेश्वर ने उनको बढ़ोतरी दिया और कहा मैं तेरे मालिक के आनंद का सहभागी हो। इंग्लिश में लिखा है नाउ एंटर इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। जब भी आप परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन लेके करते हैं और किसी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तभी परमेश्वर के सेवा में हमेशा आपके अंदर आनंद के साथ आप उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया, व्हेन यू वर्क फॉर द लॉर्ड विद अ सेल्फलेस हार्ट विदाउट लुकिंग फॉर योर ओन गेन, योर सर्विस फॉर गॉड विल बी फिल्ड विद जॉय एंड इट विल नेवर बी बर्डनसम। कभी भी भारी नहीं होगा आपके लिए वो सेवा। ओके, कुछ वचन में जाएंगे, भजन संहिता, जल्दी जल्दी वचन खोले, भजन संहिता उसका 100:2, Psalm 100:2। सो समवन रिमूव दैट एंड रीड इट, आई विल रीड, मैं पढ़ता हूं, 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 58 वचन। इस मिला किसी को Psalm 100:2? जल्दी, दूसरा कोई कोलोसियो उसका 3:23-24 निकाले। वापस से बोलिए थोड़ा जोर से, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयजयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया, आनंद के साथ यहोवा, सर्व, इंग्लिश में लिखा है सर्व हिम विद ग्लैडनेस। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 15:58 में पढ़ता हूं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कोई दे ना दे, रिकग्नाइज करे या ना करे, परंतु प्रभु उसको देखता है, उसका विश्वास योग्यता देखता है। कुलुसियों का पत्री 3:23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से निराश मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। सभी लोग बोले द लॉर्ड इज माय रिवॉर्डर। हालेलुया। मैंने आपको शायद पहले कहा है, इस राज्य में फिक्स सैलरी कभी नहीं मिलता, फिक्स सैलरी कभी नहीं मिलेगा इसमें। ये राज्य में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रतिफल मिलता है, ओके? और परमेश्वर वो रिवॉर्ड्स देता है। योहन्ना का किताब उसका 12:26 26 कोई दूसरा निकाले। पहला समवेल उसका 12:24 मैं पढ़ता हूँ, योहन्ना उसका 12:26 और आप निकाल। हाँ, 12:26 मिल। कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं वहाँ मेरा सेवक भी हो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता का आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करना क्या है? यीशु के पीछे चलना। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर बैठे रहना, जहाँ पर यीशु जा रहा है वहाँ पर ही जाना। तो यीशु के पदचिन्हों को फॉलो करना परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। पहला समवेल उसका 12:24 ये सब वचन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको मदद हो मेडिटेट करने के लिए और समझने के लिए। पहला समवेल 12:24 किसी को मिला तो जल्दी से वो पढ़े, अगर मुझे मिलता मुझे पढ़े। तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण माल के साथ उसकी प्रार्थना करो, क्योंकि ये सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम। हालेलुया। सच्चाई से उसकी आराधना करो, उसकी सेवा करो, क्योंकि ये सोचो कि उसने क्या बड़े बड़े आपके लिए, हमारे लिए काम किए। हालेलुया। और उसका मतलब हमें उसकी सेवा करना है, उसके उसने जो किया क्रूस पर हमारे लिए। और जितना भी हम सेवा करें वो दाम हम नहीं चुका सकते। हालेलुया। ना कि कुछ मैं सेवकाई में उतर रहा हूँ मुझे पैसा मिलने के लिए। सेवा जो है हमें कुछ पाने के लिए, वही मैंने पोस्ट किया था पिछले कल सभी को भेजा था कि वी डोंट सर्व गॉड फॉर व्हाट वी वांट। परमेश्वर की सेवा जो है सैंक्टिफाइड है, होली है, उसके लिए ही हमें सेवा करना है, उसके लिए हमारे जीवन को हमें दे देना है। कि ना कि हमें कुछ मिलना चाहिए क्योंकि इतना सेवा किया। कई लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मैं आपका सेवा 50 साल से कर रहा हूँ, आपको ये करना ही पड़ेगा। वो प्रार्थना कभी उत्तर नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। जब भी हम बोलते परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, 50 साल के सेवा के बाद बुढ़ा हो चुका हूँ, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं आपका दाम नहीं चुका सकता, परमेश्वर दया कीजिए और मेरे प्रार्थना को सुन दिया, वो प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये सब जो है परमेश्वर की सेवा जो है कैसे ठीक था। और ये पैरेबल ऑफ द मिनास जो है, तोड़ों का जो दर्शन है, वो भी उसी बारे में है कि सेवा किस रीति से करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस से वही वचन में, मत्ती का किताब उसका 25। हालेलुया। टाइम इज फ्लोइंग बाय। मत्ती का किताब 25:21-23। ओके, 21-23 लिखा है यहाँ पर, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए सौंपे थे, देखो मैंने 2 तोड़े और कमाया। उसको भी वही स्वामी ने कहा। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर ने जो है उनको और ज्यादा चीजों पे अधिकारी बनाया, जो थोड़े में वो लोग विश्वास योग्य बनाए उस पर बढ़ोतरी आया। एक वचन उसके संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 3:7 1 कुरिन्थियों 3:7 इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना खींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। आमेन। परमेश्वर ना तो लगाने वाला ना तो सींचने वाला, नो द वन हु वाटर्स द वन हु प्लांट्स नो वन इज एनीथिंग बट द गॉड इज एवरीथिंग हु गिव्स द इंक्रीज। परमेश्वर जो बढ़ोतरी देता है, जो इंक्रीज देता है, वो ही सब कुछ है। तो पौलुस खुद कहता है
पौलुस कहता है मैंने प्लांट किया, अपोलोस ने आके पानी डाला, तो मैं भी कुछ नहीं हूं, वो भी कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर जो इंक्रीज देता है वो सब कुछ है, परमेश्वर जो बढ़ोतरी देता है वो सब कुछ है। हालेलुया, यीशु के नाम से परमेश्वर आपके काम में, आपके सेवकाई में आपको बढ़ोतरी दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, टेक दिस ऑल्सो एज अ प्रोफेटिक वर्ड, एज अ भविष्यवाणी का वचन करके लो, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा मुझसे कि वो विश्वास योग्य सेवकों को जो अपने मतलब के लिए काम नहीं करते हैं उनको वो बढ़ोतरी देगा। हालेलुया, तो एक पॉइंट आप नोट करें, व्हेन यू आर सर्विंग द लॉर्ड इन द राइट वे यू विल हैव, पॉइंट नंबर वन इज जॉय, पॉइंट नंबर टू इज इंक्रीज फ्रॉम द लॉर्ड। ओके, उसका मतलब आप ठीक तरीके से आपका सेवकाई आप कर रहे हैं। अगर कभी भी सेवकाई बहुत भारी हो चुका है आपके लिए, जाके देखे आप ओनर है कि आप नौकर है, जाके देखे आप सेल्फलेस हार्ट से कर रहे हैं कि सेल्फिश हार्ट से कर रहे हैं, मतलब के हृदय से कर रहे हैं। अगर सेवकाई आप पे भारी होती है तो ये सब ट्रेड्स है, ये सब जैसे डॉक्टर अगर बुखार है ये वगैरह वगैरह टेस्ट करते हैं, तो हमारा सेवकाई जब भी हमारे ऊपर भारी होती है और हम हमेशा रोते रहते हैं, तो हमें देखना है कुछ कुछ टेस्ट करके कि कहाँ पर वायरस छुपा हुआ है और वो वायरस को हमें निकालना है। हालेलुया, ओके ओके। अभी हम लोग तीसरे सेवक पे जाएंगे जिसने खड्डा खोदा और वो रुपया वहाँ पर छुपा दिया बेवकूफों की तरह, उसके बारे में हम देखेंगे। 24 मत्ती का किताब में वापस चले, 25 अध्याय उसका 24 वचन से पढ़ेंगे। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे लिखा है 24 वचन, जब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीटता वहाँ से बटोरता है। पहला बात, पहला विषय इस दुष्ट सेवक के बारे में है कि उसे अपने स्वामी के बारे में गलत नॉलेज था, वो अपने स्वामी को ठीक तरीके से जानता नहीं था, उसके स्वामी के खिलाफ उसके दिल में बहुत सारा कड़वाहट पहले तो भर के रखा था। उसे लगा ये परमेश्वर ऐसा ही है, सेवा करा के लेगा परंतु कुछ नहीं मिलता है। और कई मसीह लोग मुझे बोलते हैं, जब भी नए लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रदर मुझे एक सवाल है, ब्रदर आई हैव वन क्वेश्चन, भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी एक क्वेश्चन है मेरे को, मैं मसीह है, मैं आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं सेवकाई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और मेरे जीवन में इतना तबाही, इतना कमी घटी, इतना अटैक से, परंतु वो जो दोस्त कुछ भी नहीं करते उनका जीवन कितना अच्छा है। हालेलुया, हेरोड चुपचाप से बैठा था सिंहासन पे, परंतु जब यीशु पैदा हुआ हेरोड उसके पीछे लग गया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। हम इस राज्य के नहीं है, हम उसके नहीं है, शैतान के, इसलिए वो हमसे लड़ता है। दूसरे को देख के इतना कवेशियसनेस मत डेवलप करो, उसका इतना मिल रहा है, मेरा पड़ोसी हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो एथियस्ट है, उनके जीवन में उनका बैक, मेरा तो हमेशा। हालेलुया, कंपेयर मत करो अपने जीवन को। हालेलुया, परमेश्वर के रास्तों में जब भी परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, वो हिंदू मुस्लिम एथियस्ट देखते रह जाएंगे आपको। हालेलुया, परंतु कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु वो प्रोसेस से आएगा, उनका प्रोसेस से नहीं आता है, उनका कोई और आत्माएं देते हैं उनको, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग पैसे कमाए कुछ भी करे शैतान को, क्योंकि शैतान के खिलाफ वो लोग कुछ नहीं कर रहे, परंतु आप उसके राज्य के खिलाफ एक थ्रेट है, उसको पता है आप चुने गए, इसके लिए वो आपके खिलाफ आता है, उसमें इतना मायूस होने की क्या जरूरत है। हालेलुया आमेन, कितने लोग समझ रहे हैं। लोगों को ये देखिए, लोग कार्नल हो चुके हैं, ये पृथ्वी का जीवन उनको ज्यादा महत्व का लगता है, अनंत काल के जीवन को उन लोग नहीं देखते। पौलुस ने कहा द प्रेजेंट सफरिंग इज नथिंग कंपेयर्ड, जो वास्तव में हम लोग भोग रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन जो महिमा आने वाली है। हालेलुया, क्योंकि ये सब प्रॉस्पेरिटी टेम्पररी है और हमारा प्रॉस्पेरिटी इटर्नल है। हालेलुया, रुक जाओ, अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ये नहीं मिल रहा है, रुक जाओ थोड़ा, आपके मरने के बाद आप सोने के रास्तों पे चलोगे, रुक जाओ थोड़ा वो भी आपको मिलेगा, तो इधर को आमेन। हालेलुया, यहां पर अगर ऐसा कोई कुछ बना है, वहां पर एंट्री टिकट ही 3-4 लाख का मिलेगा पर पर्सन, सोने के रास्तों पे किसको चलना है, एंट्री टिकट 4 लाख,
पांच मिनट के लिए चलने मिलेगा, वहां पर फ्री है, हालेलुया। परंतु जो लोग उसके पास वैसा जीवन को बिताएंगे उसके सम्मुख और स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर सोने के रास्ते हैं, हालेलुया। परंतु वैसे लोग वहां पर जाएंगे कि सोना उनके लिए मायने नहीं रखता, यीशु मसीह मायने रखता है, उसके लिए हम वहां पर जा रहे हैं, सोने के रास्तों को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग, हालेलुया। तो वो सेवक जो है वो अपने मास्टर के स्वभाव को, कैरेक्टर को, तो ही डिड नॉट हैव द नॉलेज अबाउट हिज मास्टर, उसके मालिक को वो ठीक तरीके से जानता नहीं था, उसके मालिक के खिलाफ सब गलत बातें उसके मन में थे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं इसके संपत्ति पे काम नहीं करूंगा। तो पहली बात तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए पहला बात तो परमेश्वर को जानना जरूरी है, वो कौन है। इतना ही जानना बस नहीं है कि कोई आके आपको बोला यीशु मसीह प्रभु है, वो आपके लिए मरा और आपने उसको स्वीकार किया, बस उतना ही जानते हो। उसको जानने के लिए आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। कोई और दिन हम लोग वो टॉपिक लेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है कि चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो रास्ता, बहुत लोग उस पे चलते हैं जो तबाही के और डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है, परंतु सकेत है वो फाटक और सकेत है वो रास्ता, नैरो इज द गेट एंड देर आर वेरी फ्यू, बहुत कम लोग उसे पाते हैं, वेरी फ्यू हु कैन फाइंड इट। तो वो नैरो गेट जो है वो हिडन है, उसे ढूंढना जरूरी है, हालेलुया। वो गेट और वो रास्ता कौन है, वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह को ढूंढना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है। जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक आप उसकी सेवा नहीं कर सकते ठीक तरीके से, ओके, हालेलुया। पॉइंट नंबर टू अबाउट द थर्ड सर्वेंट इज ही वॉज सेल्फिश, नॉट वॉन्टिंग टू वर्क फॉर द मास्टर बिकॉज ही सीम टू नो दैट द मास्टर वुड टेक द टैलेंट बैक ऑन विच ही वॉज ही विच ही वुड वर्क। तो उसे पता था कि ये टैलेंट्स, ये जो तोड़े हैं, मालिक वापस ले लेगा, तो इसलिए मैं इस पे काम नहीं करूंगा, जो मेरा नहीं है, जो दूसरे का है उसके ऊपर मैं काम नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि when you are faithful to what belongs to others, जब भी आप किसी और के चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे तभी परमेश्वर आपको खुद का देगा, हालेलुया। जो लोग सेवकाई करना चाहता है ऐसे ही आग बंद करके अपना इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मत खोलो, पहले तो दूसरे परमेश्वर के सेवकों को विश्वास योग्यता के साथ उनकी सेवा करो, उनके अथॉरिटी में, उनके कवरिंग में सेवा करो, हालेलुया। सबमिशन के साथ जो उनका है, विश्वास योग्यता के साथ उनकी सेवा करो। मैंने आपको बताया मेरा स्टोरी, दो दो दिन तक मैं परमेश्वर के सेवकों को ड्राइव करके लेके जाता था, उनको उनके पैर दबाता था और उनके सेवा को मैंने बढ़ाया। मेरा कुछ नहीं था मतलब, और मुझे कोई पगार भी नहीं मिलता था वो मिनिस्ट्री से, परंतु मैं उनके वो प्यार करता था, उनकी सेवा करता था। और समय आया जब भी परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों में जांचा और फिर उसने मुझे अपना सेवकाई दिया, हालेलुया। तो जब तक आप किसी और के मालिक के पैसों में विश्वास योग्य, पहले ही आपको खुद का एंटरप्रेन्योर बनना है और कोई एक्सपीरियंस नहीं, खुद का ये चलाना है, वैसे सेवकाई ज्यादा आगे तक नहीं जाती है, वो हो सकती है अचानक से बढ़े और वो अचानक से गिर भी जाती है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे। सो गॉड डज नॉट रिटेन्स, ओके, वो उसमें जाने से पहले हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पर 25वां अध्याय का 25 वचन, मत्ती उसका 25 अध्याय का 25 वचन, इसलिए हाँ पढ़ो, इसलिए मर गया और जाकर तेरा टुकड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरकार को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। और इन निकम्मे दासों को
बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। तो आप लोगों ने सुना, सो गॉड डज नॉट रिटेन सेल्फिश एंड अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट्स इन हिज सर्विस बिकॉज दे ब्रिंग नो वैल्यू टू हिज किंगडम। परमेश्वर जो है मतलबी और अनप्रॉफिटेबल सेवकों को रिटेन नहीं करता अपने सर्विस में, क्योंकि उनके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के राज्य में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, वो लोग वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उसको ही देता है, इन्वेस्ट करता है सिर्फ पैसों के मामले में। ये टैलेंट्स तोड़े सिर्फ पैसों को नहीं दर्शाता, ये गिफ्ट्स को भी दर्शाता है। हालेलुया। ये ऑफिसेस को दर्शाता है, जो न्यू टेस्टामेंट के ऑफिसेस है, अपोस्टोलिक, प्रोफेटिक, पास्टोरियल वगैरह वगैरह, और गिफ्ट्स को दर्शाता है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को गिफ्ट दिया, कितना आप उस गिफ्ट पे काम कर रहे हो। परमेश्वर ने 2018 में, मैंने कहा पवित्र आत्मा, मैं देखने लगा तो मैं क्या करता था, 3 घंटे मैं अन्य भाषा में बात करके मैं आंखों को बंद करता था। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, मैं पहला चीज मुझे दिखा, कभी कभी 4-5 चीज साथ में आ जाते थे, तो 5 चीजों दर्शनों को मैं लिखता था, 5 दर्शनों को मैं लिखता था। फिर वो 5 दर्शन पे बैठ के मैं जब तक उसका अनुवाद मुझे नहीं मिला तब तक प्रार्थना करता था अन्य भाषा में। तभी उस 2018 में मैं अपने दर्शन और ड्रीम्स के गिफ्ट पे काम करने लगा। इसलिए अगर कोई भी ड्रीम आप मुझे बताए उसका एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है। गिफ्ट्स मिलते हैं, पर गिफ्ट्स पे क्या लोग काम नहीं करते, उनको शार्पन अप नहीं करते। हालेलुया। जो कोई भी गिफ्ट्स है, प्रोफेटिक गिफ्ट्स है, उसको शार्पन अप कीजिए, उसको उसके ऊपर काम कीजिए, परमेश्वर को बोले, और तो उसके ऊपर समय बिताना उस तो वो मल्टीप्लाई होता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। परंतु जो लोग आलसी है, जो लोग सेल्फिश है, मतलब अपना मतलब, मेरा इसमें कुछ बनता नहीं, मैं नहीं करूंगा परमेश्वर के लिए काम, वो मालिक उसे कहता है, अगर तुझे पता था मैं ऐसा ही हूं, अगर तू ऐसा मानता है तो कम से कम बैंक में भी तूने क्यों डिपॉजिट नहीं किया? उसका मतलब तू चाहता ही नहीं था मेरे राज्य में बढ़ोतरी आए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पास्टर्स वैसे हो चुके हैं आज, वो चाहते ही नहीं है कि यीशु के राज्य में बढ़ोतरी आए। मैंने देखा है जब वो लोग पवित्र आत्मा का काम को देखते हैं ऑफेंड हो जाते हैं। कोई एक छोटा सा लड़का या कोई भी आके पवित्र आत्मा के द्वारा वचन कहता है और रिवाइवल आता है, ऑफेंड हो जाता है। यीशु से ऑफेंडेड है आजकल परमेश्वर के सेवक। उन लोग यीशु के राज्य में बढ़ोतरी देख ही नहीं सकते। ये सेवक ही भी वैसा ही था। अगर वो चाहता था, उसको कुछ मेहनत नहीं करना था, कम से कम बैंक में वो डिपॉजिट करता था। उसने वो भी नहीं किया था, क्योंकि वो जानबूझ के चाहता था कि मुझे कुछ मालिक के राज्य में कुछ मेरे होना ही नहीं चाहिए। उसका एक्सपेक्टेशन नेगेटिव था उसके मालिक के राज्य से। हाँ, बहुत सारे सेवक वैसे एक्सपेक्टेशन रखते, परंतु वो परमेश्वर के सेवक बन के बैठे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अभी समय नहीं है हमारे पास, परंतु मत्ती का किताब उसका 20:1-16 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उस क्या बोलते हैं, विनयार्ड का जो मालिक था, वो मजदूरों को ढूंढने जाता है पहर के समय, सुबह के समय, और कुछ लोग उसे मिलते हैं। और बाइबल ऐसा कहता है, बाद में आप पढ़े, आज समय अभी समय नहीं है मेरे पास। बाइबल ऐसा कहता है कि वो लोग के लोगों के साथ वो एग्रीमेंट बनाता है, सेटलमेंट करता है 1 दिनार के लिए, कि 1 दिनार उन्हें वो देगा। तो वो 1 दिनार के फिक्स्ड पगार पे उन लोग बोलते, ठीक है 1 दिनार मंजूर है, हम आते हैं। परंतु उसके बाद दोपहर के वक्त भी वो वापस जाता है, कुछ लोगों को ऐसे ही खड़े हुए देखता है। वो कहता है उनको, वो कहता है कि आके मेरे यहां पर काम करो, जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्हें फिक्स्ड वेजेस वो प्रॉमिस नहीं करता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप सेवकाई कर रहे हैं, आपका जीवन जो है फिक्स सैलरी पे कभी नहीं चलेगा, वो एक वो विश्वास पे चलेगा। जब ये चीजें खत्म होगी आपके बैंक अकाउंट में, आपको जरूरत है, कुछ दिनों बाद परमेश्वर किधर से आपको लेके, वैसा ही मेरा जीवन चलता है, विश्वास पे चलता हूं मैं। कुछ कोई देगा तभी आपका घर चलेगा, तभी आपका आगे चलेगा। हालेलुया। मैंने हडसन टेलर के बारे में उसके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ाया, मैंने डेविड लिविंगस्टन जो अफ्रीका में गया था, वहाँ पर उसका मृत्यु हुआ प्रार्थना करते करते, उसके बारे में पढ़ाया। ये जो मिशनरीज थे वो लोग विश्वास पे चलते थे। हडसन टेलर जो था उसको, वो विश्वास पे चलता था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो चाइना में गया, परंतु वो ऑर्गेनाइजेशन जो था उनका विजन और हडसन टेलर का विजन एक साथ नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ने उसे कहा, इसको छोड़,
और तभी जब भी उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, अभी उसको पगार देने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको संभाला, परमेश्वर ने विश्वास पे। तो ये राज्य में फिक्स्ड इनकम, वो सभी लोग बोले मुझे फिक्स्ड इनकम नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि हर महीना ये पगार तुम्हें मिलेगा, ये घर चला, वैसा नहीं होता ये राज्य में। ये राज्य में जो है वो मालिक ने उनको कहा तुम लोग आ जाओ, जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा। ध्यान से सुने, फिर उसके बाद वापस से गया, कुछ और मजदूर थे, खड़े थे शाम के वक्त, उनको भी लेके आया और उनको बोला जो बनता है मुझे दूंगा, तो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर पगार देने का वक्त आया, दिन खत्म होने के बाद, तो जो लास्ट में आए थे उनको वो पहले बुलाया और उनको एक दिनार दिया, और जो सुबह से काम कर रहे थे वो लोग आखिर में खड़े थे उनको भी एक दिनार दिया। तभी बाइबल कहता है तो उन लोग झगड़ा करने लगे मालिक के साथ, बोलने लगे कि ये नाइंसाफी क्यों, हम लोग इतने बोझ से दबे होके सुबह के धूप में इतना मेहनत काम किया ये एक दिनार कमाने के लिए, और तुमने जो बाद में आए उनको भी एक दिनार दिया। देखिए, जो पगार के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर बोझ रहता है, उन लोगों को लगता है कभी यार ये खत्म होगा, कभी मैं ये पूरा करूंगा, और हमेशा एक बोझ रहता है। परंतु जो लोग अच्छा जो मिलता है उसके लिए हम काम करें, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चलो काम करते वैसे ही खड़े, हालेलुया। और उन लोगों को परमेश्वर ने, सो द लास्ट विल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट विल बी द लास्ट, उसके बाद यीशु वो कहता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, ये पैराबल्स के द्वारा, ये जो सर्मन से पवित्र आत्मा मुझे बिठाता है और मुझे बोलता है यहाँ पर ऐसे बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर हमको सिखा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर उसके लोगों को सिखा रहा है कि बिना मतलब के सिर्फ उसके लिए उसकी सेवा कैसे की जाए। और जैसे वो तीसरा सेवक समझता था कि ये मालिक मुझे कुछ देने वाला नहीं है, वो गलत है। वो मालिक हमें और देने वाला है ताकि हम उसके, हमारे संपत्ति का नहीं, उसके संपत्ति का हम ठेकेदार बने या मैनेजर, वॉट एवर, मैनेजर बने। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? वी विल प्रे। हालेलुया, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर सारी महिमा और आदर आपको देते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, रेबो क्रोमो क्रोमो लाक्रेमेंसी आंत्रा लाप्रा साप्रे खाल थी याराबा, परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए हमें आपने सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर में यीशु के नाम से जो आपके विश्वास योग्य सेवक है और सच्चे दिल से आपकी सेवा कर रहे हैं, वो बढ़ोतरी, आई रिलीज इंक्रीज फ्रॉम योर हैंड, फ्रॉम योर हैंड आई रिलीज इंक्रीज इन देयर लाइफ्स, इन देयर मिनिस्ट्री एंड इन देयर फाइनेंसेस, आपका बढ़ोतरी आए परमेश्वर। और जो लोग परमेश्वर बाइबल और किंगडम के हिसाब से सेवा करना या मैनेज करना या फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं जानते, आज आप उन्हें सिखाइए परमेश्वर। हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए वो लोग कार्य करें, कि वो जाने कि परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। शेर और उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। क्या आपको लगता है जब भी आप दिल से उसकी सेवा करते वो आपको छोड़ देगा, वो आपको भूखा रखेगा? नहीं, वो आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। हालेलुया, जो लोग आज मजे उठा रहे, जो लोग, बाइबल कहता है जो लोग आज हंस रहे हैं और मजे उठा रहे, वो लोग रोना शुरू करेंगे, परंतु आप सुरक्षित रहेंगे, आपके घर से, आपके परिवार से ब्रेड और वाटर का सप्लाई कभी भी कट नहीं होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, इलाइजा के पास करेंसी नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, परंतु परमेश्वर हमेशा उसके जरूरतों को पूरा करता था। परमेश्वर की सेवा करो पूरे दिल से, पूरे मन से। आज हमने वही गीत को गाया, हालेलुया, वही गीत को हमने गाया कि पूरे हृदय से सब कुछ देकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और तभी परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, आपके बच्चों का, आपका परिवार का ख्याल रखेगा। विश्वास से आगे बढ़ो, डरो मत, परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय से अपने सब कुछ को देखकर सरेंडर करके उसकी सेवा करो, और परमेश्वर का माइटी हैंड आपके ऊपर रहेगा हमेशा। राबो स्क्रोबो श्याम प्राला दियांत रोबो मालदे नाराला सोयोनो रोबो लांबानो रियांद्रो बोला बामा मान शगदारा बोला। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। राबा लाबाल सियाल द्रो खोल दारा माना रबो शंब्रालां दियांद्रा बा राबा 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 लखाल द्रेबे लहाल सियाल दारा बा लखाल सियाल द्रा लबा रबा लहाल सियाल ता। मैं आई वांट टू प्रे फॉर सम पीपल योर, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है। आरती कपूर, मैं देख सकता हूँ परमेश्वर मुझे बोल रहा है और दिखा रहा है कि There are many hurts and wounds because of betrayal, धोखे के वजह से।
रिलेशनशिप्स में, आपके संबंधों में धोखे के वजह से कई लोग विड्रॉ कर लिए आपसे, कई लोगों ने झूठ बोल के आपको धोखा दिया। यीशु के नाम से परमेश्वर जो कह, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। कोई इंसान अगर उन लोगों को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए उन विचारों को अपने जीवन से, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तेरे टिल योर हेयर ग्रोज ग्रे एंड टिल यू बिकम ओल्ड, आई विल बी द सेम गॉड, आई विल कैरी यू, आई विल बैर यू, आई विल बी विथ यू इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपना प्यार आपके ऊपर उंडेल रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि शैतान ने आपको बहुत सारे अननेसेसरी बातों में फंसा के रखा है, परंतु परमेश्वर की योजना यह है कि आप उसके लिए एक प्रार्थना योद्धा बनो, एक इंटरसेसर बनो, क्योंकि आपके ऊपर एक अभिषेक है जो शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तबाह कर सकता है इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूं वो अभिषेक आज एक फ्रेश अनॉइंटिंग की तरह आपके ऊपर आए, कन्विक्शन के साथ, और पवित्र आत्मा उस कॉलिंग और उस सेवकाई में आपको अशर करे अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेखरो सांप्रखो रमालखरबे रबो नमोल सियाल द्राबाना मो सब्रेखा लेखा रिमोनी आलबा। Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, Father, we worship you. Shombro lo torobo. Rabalone rebani androbola sakadarabalagalzialda. The presence of God is coming upon some people right now. उसकी उपस्थिति आपके ऊपर छाया हो रही है अभी जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सिस्टर आरती की हर एक लॉसेस जो है रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपको परमेश्वर ने बहुत सारे एबिलिटीज से, स्किल्स से ब्लेस किया है, गिफ्ट किया है, परंतु हर एक जगह उन स्किल्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलता या उन एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लोग आपसे जलते हैं यीशु के नाम से। जो कुछ भी शैतानी होल्ड है, जो कुछ भी आत्मा के स्तर में ये चीजें करवाते हैं, जो कुछ भी विचक्राफ्ट मैनिपुलेशन है, आज मैं तोड़ता हूं उन चीजों को यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपके दिमाग में, आपके शरीर में मैं परमेश्वर यीशु के कोड़े खाने के द्वारा उसके चंगाई को रिलीज करता हूं। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स या अटैक में जो देख सकता हूं यीशु के नाम से आपके शरीर में, उन चीजों को मैं तोड़ता हूं अभी इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबा सखरा बाला हाल सेखारा बाला बा रेला जियाल तरा। मैं देख सकता हूं परिवार में कुछ लोगों के लिए आपको बर्डन है, आपको बोझ है, परंतु वो लोग उतना आपके लिए केयर नहीं करते। यीशु के नाम से परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके बोझ से आप भर दीजिए। जो बोझ उनको नीचे झुकाती है, जो बोझ उनके जीवन में भारीपन हैवीनेस लेके आती है, उन बोझों को निकाल दीजिए। हालेलुया। उन बोझों को निकाल दीजिए और आपके लॉर्ड वो योग दे दीजिए, वो योग जो ईजी है और जो लाइट है, जो हल्का है, वो प्लेस कर दीजिए उनके जीवन पे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक नकारात्मक बातें, हर एक चीजों को एंड करने वाले बातें, हालेलुया, मन के अंदर शैतान के डालने वाले वो हर एक विचारों को मैं हुकुम देता हूं, आई रिब्यूक इट आउट ऑफ योर माइंड इन जीसस माइटी नेम। हर एक मन में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स परमेश्वर यीशु के नाम से, जो शैतान परमेश्वर तबाही नष्टता के बातों बोलते हैं, मरने की बातें बोलता है, खत्म करने की बातें बोलता है, यीशु के नाम से उन विचारों को मैं अभी इसी वक्त तोड़ता हूं सिस्टर के जीवन के ऊपर से और आपके आत्मा से, आपके जॉय से आप भर दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राबो खो रामा लखरियाल सियाल टराबा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं एक तरह का तंत्र मंत्र है जो कि आपके और जो चीजें आनी चाहिए वो दूसरी के पास लेके जाता है। इट राउट्स इट दोस पावर्स दैट विचक्राफ्ट पावर राउट्स द वेल्थ व्हाट एवर शुड कम टू यू इट राउट्स इट टू समवन एल्स। यीशु के नाम से वो तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट का होल्ड मैं तोड़ता हूं अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। आई रिलीज फ्रीडम right now in Jesus mighty name by the blood of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ I release your freedom right now. Fill her with your spirit, fill her with your power and every hold ye shaitan ka har ek bandhan abhi toot jaye. Hallelujah. Unke destiny ke sath, unke finances ke sath har ek manipulation ko todte hai yeshu ke naam se. Hallelujah. Mo rakha to ko rama lokuri andar abado
लाजी जो रोमो शाम्रियाल दराबा लाजियाल दराबा परमेश्वर आज वो सेवकाई का अनॉइंटिंग वो रिलीज कीजिए वो प्रेयर मिनिस्ट्री का हालेलुया जो बंद पड़ा है आज वो दरवाजे आज वो अनॉइंटिंग वो चीजें वो माइंडसेट खुल जाए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस रे ब्राबा खटियारा बो लाहल सियानमो हालेलुया रे दो लो सबा मामानो Oh, hallelujah, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rebra la sambro kol da rabalabandre. Rabalaban siantro bolo bolsia. Sister Pooja Sharma, I break every rejection. I break every delay upon your life in Jesus' mighty name. Har ek deri ko, har ek rejections ko, main aapke jeevan mein se todta hu abhi isi waqt. यीशु मसीह के नाम से जो वट एवर द लोकस्ट हैव ईटन आई कमांडेड टू बी रिस्टोर्ड बैक टू यू इन जीसस माइटी नेम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपका समय जो शैतान ने खाया है दैर इज अ रिस्टोरेशन दैट द लॉर्ड विल ब्रिंग आई प्रोफेसाई अपॉन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई रिलीज रिस्टोरेशन इन योर लाइफ पूजा शर्मा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रे सुख रामाल क्रमाल हाल द्रेबेने मोम प्रबला हल सिक्रियाल तराबला रेराल सिया मैं देख सकता हूँ कई चीजें जो आप करना चाहते हैं आपके माइंड को शैतान कंट्रोल करता है और वो चीजें उल्टे उल्टे करवाता है बाद में आप बोलते मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा क्यों किया ऐसे चीजें गलत चीजें वो आपसे करवाते हैं उल्टे चीजें मैं आपके जीवन में देख सकता हूँ यीशु के नाम से वो स्पेल को मैं तोड़ता हूँ आपके जीवन के ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं रे बो रखास बेतेरे आल सांटो इरो बोला सीबानी आन बोरोबो हालेलुया आपकी उपस्थिति से सभी लोगों को भर दीजिए परमेश्वर आपके आत्मा से सभी लोगों को भर दीजिए परमेश्वर आपके वचन के रेवलेशन से हमारे माइंड्स को आपके हृदय के साथ आपके एजेंडा आपके प्लान के साथ अलाइन कीजिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को और परिवारों को यीशु के लहू से हम छिपाते हैं परमेश्वर और यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमेन Amen. God bless you. Over to Sister Jaya if you have something to pray. Happy birthday, Brother Rahul.